छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस, सीआरपीएफ और डीआरजी के जवानों की लगातार दबिश और सरकार के लोन वराटू जैसी पुनर्वास नीति का फायदा उठाकर लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी क्रम में आज 14 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें दो एक एक लाख के इनामी नक्सली भी शामिल रहे। जो आपका सवाल है कि कोई बड़े माओवादी, तो ये मेरा आपसे कहना है कि देखिए, नक्सल नक्सल होता है, बड़े छोटे नहीं होते हैं, हर एक जो उस संगठन से जुड़े हुए हैं उनका उतना ही वैल्यू है। बट इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने जो बटालियन से सरेंडर किए थे, या ऐसे नक्सली को हमने सरेंडर किया था जो पिछले 20 साल से संगठन में जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बड़े नक्सली नहीं सरेंडर कर रहे हैं। हम लोगों का सतत प्रयास है कि हमारी जो सरकार की जो योजना है वो उन्हें वहाँ गाँव तक, अंदर तक पहुँचे, ताकि वो इस मुख्यधारा में जुड़े। और जैसा कि आप देखे होंगे, बटालियन से सरेंडर किए हैं, बड़े बड़े डिप्टी कमांडर्स, कमांडर्स लेवल तक, एलजीएस कमांडर तक नक्सलियों ने यहाँ पर आके समर्पण किया है, पहले भी समर्पण करते रहे हैं। वेपन थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अंदर से उनके ऊपर भी खतरा बना रहता है कि वो जब आते हैं तो उनको भी एक खतरे का वो रहता है, कि क्योंकि नक्सली भी अगर वहाँ से देखते हैं कि अगर कोई समर्पण करना चाह रहा है, तो वो इसको कोशिश पूरी करते हैं कि ये ऐसा ना हो।